ईसीजी रूम। आपको सस्ते में ये वाला टेस्ट कराना है। एक्सरे फैसिलिटी। आपको सस्ते में ये वाला टेस्ट कराना है। अल्ट्रासोनोग्राफ फैसिलिटी। छोटे बड़े जितने टाइप का मेडिकल फैसिलिटी आपको पाना है, इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए इस वीडियो को। ये ड्रेसिंग रूम है। मान लीजिए आप एक बहुत ही गरीब आदमी हैं, बहुत ही कम पैसा आपके पास है, आपको दवा दारू मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल टेस्ट डॉक्टर का कंसल्टेंसी फी अच्छी दवाई और ये सब सस्ते कीमत पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ आइडिया होना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको वही आइडिया देने वाला हूँ, पहले इसको समझिए आप। और इधर से हम लोग जो है चैरिटेबल हॉस्पिटल बेलूर मठ में अभी हम लोग जाने वाले हैं। बेलूर मठ का प्रसाद कूपन मिलने के बाद एक घंटे बाद प्रसाद खिलाया जाएगा, बहुत टाइम बाकी है। तब तक हम लोग प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको बेलूर मठ का चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है उसका एक छोटा सा टूर कराएगा, आप इसको देखिएगा। इसके लिए आपको पावर ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन इंडिया यानी कि चैरिटेबल हॉस्पिटल की जो ताकत है इंडिया में उसको आपको जानना पड़ेगा, हम लोग को पता तो होता नहीं है। ये वेस्ट बंगाल में बेलूर एक जगह है, वहाँ पे बेलूर मठ का ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही कम खर्चे में होता है, और जो गरीब इंसान जिसके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है तो उनको लिए ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। अब मैं इस हॉस्पिटल को अंदर जाके दिखाऊंगा आपको, प्रदीप्ता ब्लॉगर दिखाएगा आपको। अब सवाल उठता है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल किसको बोलते हैं और वो इतने सस्ते में इलाज कैसे कराते हैं। देखिए रामकृष्ण परमहंस दुनिया में सिर्फ एक ही पैदा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद इस दुनिया में सिर्फ एक ही पैदा हुए हैं, और उनके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनके करोड़ों भक्त हैं। करोड़ों भक्त लोग हर दिन करोड़ों रुपया जो है डोनेशन करते हैं और उसके ऊपर सरकार कोई इनकम टैक्स लेती नहीं है, तो उस पैसे को क्या करें, वो सारे पैसे को गरीब इंसानों को डोनेशन करते हैं, डोनेशन में मुफ्त में खाना खिलाते हैं, देखिए इसको आप, मुफ्त में इलाज कराते हैं, इसमें यह बहुत सस्ते में इलाज कराते हैं। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको समझ में आएगा। प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको बेलूर मठ में प्रसाद वितरण के समय किस तरह से लोग बैठ के खा रहे, हजारों की संख्या में भीड़ है, इसको आप देखिए, चाहो तो मैं घुमा के दिखा रहा हूँ। बेलूर मठ का प्रसाद खाने का कूपन मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच मिलता है, इसके बाद कूपन मिलना बंद हो जाता है, कूपन एकदम मुफ्त में दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है। आज आप चैरिटेबल हॉस्पिटल बेलूर मठ वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है का जाल फैला हुआ है, सारे हॉस्पिटल के बारे में एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि सस्ते में इलाज कैसे किस तरह से बहुत अच्छा किया जाता है। बेलूर मठ के चैरिटेबल हॉस्पिटल का रिसेप्शन और कैश काउंटर को आप देखिए, पेशेंट लोग को मरीज लोग को इलाज के लिए यहाँ पे लाइन लगा के टोकन लेना पड़ता है। ये डिस्पेंसरी है, यहाँ पे जो है दवाइयाँ दी जाती है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। प्रदीप्ता ब्लॉगर चैनल का मोटिवेशन है हेल्पिंग वीडियो बनाने का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो प्रदीप्ता ब्लॉगिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी यहाँ पे होता है। देखिए आपके पास एक स्मार्टफोन हो गए होगा, उसमें स्मार्टफोन में गूगल क्रोम हो गए होगा, उसमें अब लिखिए चैरिटेबल हॉस्पिटल इन, आप जितना भी छोटा एरिया में रहते हो इन के बाद उस एरिया का नाम लिखिए और गूगल क्रोम में सर्च कीजिए। सर्च करने से आपके घर के अगल बगल जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल का है उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आप हॉस्पिटल को देखिए, वो 5 स्टार हॉस्पिटल है कि 4 स्टार हॉस्पिटल है,
और पब्लिक का रिव्यू किस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा है, उस हॉस्पिटल को आप नेट के द्वारा उसका ईमेल एड्रेस को तलाश कीजिए। उस ईमेल एड्रेस में लिखिए, मेरे को हार्ट की बीमारी है, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, आप मेरे को अपॉइंटमेंट दीजिए। घर बैठ बैठ के कर ले रहे हो अपॉइंटमेंट लेटर, लेने के बाद वो आपको अगले दिन रिप्लाई में कुछ देगा, उस आधार पे आप जो है उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने जाओगे। तो घर में बैठ बैठ के बहुत सारा काम कर लिया, अब फिर जाके ट्रीटमेंट कराइए सस्ते में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगने से, नॉलेजेबल लगने से, प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। बेलूर मठ के चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर में देखिए क्या क्या फैसिलिटी, बैठने का सब कुछ यहाँ पे है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग जाए, दिल को लग जाए, तो आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेशेंट लोग, मरीज लोग के बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, देखिए इसको आप। आपको मालूम नहीं है, चैरिटेबल हॉस्पिटल का पूरा नेट जाल पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं तो चैरिटेबल हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश इन लखनऊ लिखिए। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल रायपुर लिखिए। मान लीजिए आप चेन्नई में रहते हैं तो चैरिटेबल हॉस्पिटल चेन्नई लिखिए। आपको पूरे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ में बहुत सा चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है। आप घर के पास में जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए मैं एक छत्तीसगढ़ का विलेज जो है भाटापाड़ा में रहता हूँ, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल भाटापाड़ा लिखने से ही अगल बगल बहुत चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम गूगल क्रोम में आ जाएंगे। हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होना ही पड़ेगा, देखिए इसको आप। जिन्होंने डोनेशन किया उसको आप देखिए आईएससीएल। प्रदीप्ता ब्लॉगर चैनल का मोटिवेशन है हेल्पिंग वीडियो बनाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।